पिछले कई हफ्तों से हम पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु की जीवनी का अध्ययन कर रहे थे, और जैसा मैं कई बार आपको याद दिला चुका हूँ, प्रभु के अनुयायियों में से चार लोगों ने प्रभु की जीवनी लिखी है। इसका कारण यह है कि प्रभु की जीवनी आसमान से प्रभु संसार उतर आकर मनुष्यों के बीच में रहे, कोई भी एक व्यक्ति प्रभु की जीवनी को पूर्ण रूप से कवर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु के जीवन के इतने अलग अलग पहलू हैं। इस कारण प्रभु के वचन में कम से कम चार लोगों के द्वारा लिखी गई प्रभु की जीवनियां हैं, जिसमें से पहली जीवनी जिसे मत्ती नाम के व्यक्ति ने जिसकी रचना की थी, इसलिए उस पुस्तक को मत्ती के द्वारा लिखा गया शुभ संदेश कहलाता है। आज उसके पांचवें अध्याय के 21वें पद से मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। जिनके पास बाइबल्स हैं वो निकाल लें, जिनके पास नहीं है वो फिक्र ना करें, क्योंकि मैं आपके सामने पढ़ता जा रहा हूँ। प्रभु के वचन से हम इस तरह से पढ़ते हैं, मत्ती पांचवा अध्याय 21वां पद। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये प्रभु जब ये शिक्षा दे रहे थे, तब बाइबल में जो 66 पुस्तकें हैं उसमें से 39 पुस्तकों की रचना हो चुकी थी, और प्रभु के अनुयायी और अन्य लोग जब प्रभु की वाणी सुन रहे थे तो वे लोग उन 39 किताबों के बारे में जानते थे। उन किताबों में प्रभु के बच्चों के लिए तमाम तरह की शिक्षाएं दी गई थीं, और आज भी संसार के कई देशों में जो नियम और कानून बनाए गए हैं वो बाइबल के पुराने नियम की इन पुस्तकों से लिए गए हैं। ये बहुत ताज्जुब की बात है। इवन अपना हिंदुस्तान का जो संविधान है उसकी रचना हुई थी, तब उसमें बाइबल के पूर्वार्ध में या पुराने नियम में जो कहा गया है उसकी मदद ली गई थी। प्रभु के कहने का मतलब है कि तुम जानते हो कि मेरे आने से पहले जिन 39 या 39 किताबों की रचना हुई थी उसमें कहा गया था कि हत्या ना करना। सारी दुनिया के सभी देशों और दुनिया की सभी भाषाओं और सभी संस्कृतियों में हत्या पूरी तरह से वर्जित है, जो बहुत ही भयानक पाप माना जाता है, और जिसके लिए जो हत्या करता है उसको अक्सर मृत्युदंड की सजा दी जाती है। हिंदुस्तान में हत्या के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। प्रभु ने कहा कि देखो, ये बात तुम सब जानते हो कि इस तरह का घोर अपराध मनुष्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु ये बात उन लोगों को याद दिलाना चाहते थे कि मेरे आने के साथ साथ इस संसार में एक नया युग प्रारंभ हो चुका है, और इस कारण मैं अपने अनुयायियों से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करता कि वे हत्या जैसा जघन्य घोर अपराध करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, मैं अपने अनुयायियों से ये उम्मीद करता हूँ कि वे छोटे जिन अपराधों को मनुष्य समाज बहुत छोटा मोटा समझता है ऐसे अपराध भी नहीं करेंगे। आगे देखिए प्रभु कितनी कड़ाई से बोलते हैं। अगले पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रभु ने कहा अभी तक का नियम तो यह है कि यदि हत्या करते हो तो कचहरी में ले जाकर तुमको सजा दी जाएगी, और उस तब से ही मृत्युदंड का प्रावधान चला आ रहा है। प्रभु ने कहा देखो मेरे बच्चों, मेरे आने के बाद सब कुछ बदल गया है,
तुमको प्रभु के वचन से पहले जितनी रोशनी मिली थी उससे ज़्यादा रोशनी अब मिली है। और एक्चुअली प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रभु के अनुयायियों ने कुल 27 पुस्तकों की रचना की थी जो बाइबल के उत्तरार्ध में या नए नियम में मिलता है। तो प्रभु के कहने का मतलब यह था, मेरे आने के साथ साथ एक नया युग प्रारंभ हो रहा है और इस नए युग में तुमको प्रभु के वचन की शिक्षाएं और प्रभु के वचन का जो प्रकाश है वो कुछ ज़्यादा ही दिया जा रहा है। और चूंकि प्रभु के वचन से तुमको अधिक प्रकाश दिया जा रहा है, इसलिए तुमसे ये उम्मीद की जाती है कि तुम्हारा व्यवहार इसके पहले लोगों का जो व्यवहार था उससे भी उत्तम व्यवहार होगा। हम इस बात को जानते हैं, यदि दो बच्चों को सामने खड़ा कर दिया जाए, एक बच्चा जिसको उसके माँ बाप ने कभी भी ढंग से बोलने की शिक्षा ना दी हो और एक दूसरा जिसको बचपन से माँ बाप ने बोलने की शिक्षा दी हो, उन दोनों की बोली में आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा है? देगा क्या? बिल्कुल देगा। एक जो है मुझ जैसे सीनियर सिटीजन से आके क्यों तुम कहाँ से आए हो पूछेगा, दूसरा आकर पूछेगा अंकल जी आप कहाँ से पधारे हैं, कितना फ़र्क है। क्यों ये फ़र्क है? इन दोनों बच्चों को जो जानकारी दी गई है, जो ट्रेनिंग दी गई है, उसके अनुसार उनके व्यवहार में फ़र्क आ गया है। तो प्रभु के कहने का मतलब यह है कि मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमको प्रभु ने बहुत अधिक रोशनी दी, 39 किताबें थीं तुम्हारे पास पढ़ने जानकारी के लिए, और इन पुस्तकों में ये कहा गया था कि हत्या ना करना क्योंकि तुम गंभीर सजा पाओगे। इतना ही नहीं, हत्या गलत बात है, लेकिन अब चूंकि मैं इस संसार में आ गया हूँ इसलिए तुमको और अधिक रोशनी मिली है, और अब मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम एक गलत वाणी भी नहीं बोलोगे। प्रभु यीशु के बारे में मैंने इसके पहले के 3 हफ्तों में ये बात याद दिलाई थी कि प्रभु यीशु को जगत की ज्योति कहा जाता है। उसका एक कारण यह है कि उनके पधारने के बाद प्रभु से मनुष्य को जो जानकारी मिली है, जो शिक्षाएं मिली है, वो और अधिक हो गई है। मनुष्य उसके पहले जितना जानता था आज उससे ज़्यादा जानता है। जिस तरह से मंद रोशनी वाले कमरे में आप जाएं तो आपका अनुमान हो जाएगा कि इस कमरे में कई चीज़ें हैं, लेकिन जब लाइट ऑन कर देते हैं तो एक छोटी सी कील भी जो कमरे के फर्श पर पड़ी हुई है वो आपको दिख जाती है। क्यों? रोशनी आ गई है कमरे में। इसी तरह से प्रभु यीशु के इस संसार में पधारने के बाद जो 27 पुस्तकें लिखी गईं प्रभु के अनुयायियों के द्वारा, इन पुस्तकों के द्वारा प्रभु कौन है, प्रभु का स्वभाव क्या है, प्रभु हमसे क्या उम्मीद करते हैं, और मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु ने क्या क्या प्रावधान किया है, क्या क्या अरेंजमेंट किया है, इन सब बातों के बारे में पुराने नियम के कंपैरिजन में और ज़्यादा रोशनी पड़ गई है। और चूंकि हमको ज़्यादा रोशनी मिली है इस कारण हमसे ये उम्मीद की जाती है कि जब हम रोशनी में चलेंगे तो इधर उधर ठोकर नहीं खाएंगे। अपन खुद जानते हैं ना कि अंधेरे कमरे में रात को जब जाते हैं तो कई बार अनजाने जहां कुर्सी नहीं होनी चाहिए वहां कोई कुर्सी छोड़ जाता है तो टकरा जाते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं। लेकिन एक बार लाइट ऑन कर दिया जाए और उसके बाद फिर आप जबरदस्ती कुर्सी से टकरा रहे हैं तो समस्या कुर्सी की नहीं है, समस्या आपके नज़र की है। प्रभु यही कहना चाहते थे, मेरे बच्चों किसी ज़माने में घोर अपराध कोई करता था तो वह सजा के योग्य माना जाता था, लेकिन तुम जो मेरे अनुयायी हो तुमको प्रभु के वचन से और स्पष्टता से रोशनी मिली है, और अधिक विस्तार से या डिटेल में प्रभु का वचन तुमको दिया गया है जो तुम्हारे खुद की भाषा में उपलब्ध है। इस कारण अब मेरे बच्चों मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि
तुम इवन अपने भाई पर क्रोध नहीं करोगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहते हैं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। इन दिनों महासभा हिंदुस्तान में तो नहीं होती है, लेकिन गांव में पंच बैठते हैं, हम जानते हैं, उसी को महासभा कहा गया है। प्रभु यीशु के ज़माने में समाज में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता था तो कई बार समाज के बड़े बुजुर्ग लोग एक साथ एकत्रित होकर उसके बारे में सोच विचार करते थे कि उसको क्या सजा देनी, ये है महासभा। आज भी दुनिया में ऐसे कई देश है जहाँ पर यदि कोई व्यक्ति किसी गलती में पकड़ा जाता है या उसके ऊपर कोई आरोप आता है तो बाकायदा महासभा बैठती है, और वो महासभा सोचती है कि इस व्यक्ति के विरुद्ध जो आरोप है वो सही है क्या, और यदि वो आरोप सही है तो उसको सजा दी जानी चाहिए क्या, और यदि सजा दी जानी चाहिए तो क्या सजा दी जानी चाहिए, और महासभा उस व्यक्ति की उम्र, उस व्यक्ति की बुद्धि, उसकी जानकारी, उसकी शारीरिक कमजोरी, सभी बातों को हिसाब में लेकर उस व्यक्ति को सजा देती है। तो प्रभु के कहने का मतलब है कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो इतनी गलत बात है, इस तरह से कहना कि वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और उसके बाद प्रभु ने एक और बात वहाँ जोड़ दी, और जो कोई कहे, मतलब अपने भाई से कहे, अरे मूर्ख, तो वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। प्रभु ने ये जो कहा था इसका क्या मतलब है, और मेरे आपके लिए या मेरे आपके जीवन में इसका क्या असर है, ये बात हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। प्रभु यीशु के आगमन ने इस संसार के इतिहास को ही दो भागों में बांट दिया था। प्रभु इस दुनिया में पधारे उसके पहले भी परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन उपलब्ध था। वो लिखा गया था इब्रानी भाषा में, लेकिन उसका अनुवाद और भी कई भाषाओं में हो चुका था, इसलिए सारी दुनिया के लोग जानते थे कि प्रभु अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं। लेकिन प्रभु के आने के बाद जो 27 पुस्तकें लिखी गई उसमें और अधिक विस्तार से प्रभु का वचन हमको दिया गया, और चूंकि और अधिक विस्तार से प्रभु का वचन दिया गया, इस कारण प्रभु कहते हैं कि तुमको अपने जीवन में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अब प्रकाश ज़्यादा है। प्रकाश ज़्यादा होने के कारण तुम और ज़्यादा स्पष्टता से देख सकते हो, और चूंकि तुम और अधिक सफाई से देख सकते हो, और अधिक रोशनी में देख सकते, इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, तुमसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से 4000 साल पहले या पिछले 4000 सालों में लोग जिस तरह से आपस में व्यवहार करते थे उसकी तुलना में अब तुम और अधिक ऊंचा और अधिक परिष्कृत व्यवहार करो। एक बात बताइए, एक घर में एक 3 साल का बच्चा जो अभी ढंग से चल नहीं पाता है, यदि वो इस तरह से ठुमक ठुमक के चले, चलते समय जाने अनजाने रसोई में रखे हुए एक बर्तन से उसका पैर लग जाता है और उस बर्तन से पानी या चाय या खीर जमीन पर गिर जाए, तो आपको ताज्जुब होगा क्या? नहीं होगा। हम सबने बच्चे देखे हैं, बच्चा 3 साल की उम्र में बहुत सारी बातें नहीं जानता है, और इस कारण आज उससे गलती हो गई, शायद कल भी वो गलती करे, कल वो और सावधानी से चलेगा, लेकिन अभी उसके पैर जमे नहीं हैं, शरीर में संतुलन नहीं आया है, इसलिए हो सकता है कल भी उसके पैर से टकरा कर पानी, चाय या खीर की कटोरी उलट जाए, फैल जाए। लेकिन वो बच्चा जब 30 साल का हो जाए और जब भी किचन में जाए उसके पैर से पानी की ग्लास या चाय की कटोरी फैल जाए, तो आपको ताज्जुब होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? अरे 30 साल छोड़ो, 3 साल का बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि अब तो उसके व्यवहार में और चाल चलन में
संतुलन आ गया होगा। 6 साल के बच्चे को तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां देने लगती हैं, 10 साल का बच्चा अपने से छोटे बच्चों को, माँ बाप जब घर पे नहीं होते तब अपने छोटे बच्चों को खाना तक खिलाता है। एग्जैक्टली प्रभु ने कहा कि देखो मेरे प्रिय बच्चों, तुमसे मेरी उम्मीद यह है, मेरे से आने से पहले जितनी जानकारी थी अब उससे ज़्यादा जानकारी उपलब्ध है। तुम मेरे स्वयं के जीवन के बारे में बहुत जल्दी 4-4 पुस्तकों में पढ़ोगे और उसके बाद और बहुत सारी पुस्तकों में मेरी शिक्षाएं तुमको डिटेल में बता दी जाएंगी, और इस कारण तुम अपनी आत्मिक जानकारी में बहुत अधिक परिपक्व हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, और इस कारण मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि पुराने नियम के समय जिन गंभीर पापों को गंभीर समझा जाता था वे आज भी गंभीर हैं, लेकिन उस समय जिन बातों की तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया था, मेरी उम्मीद है कि आज तुम उन बातों पर भी ध्यान दोगे। मतलब ये हुआ कि यदि आप और मैं प्रभु यीशु के अनुयायी हैं तो हमसे प्रभु ये उम्मीद करते हैं कि हम संसार के जो मापदंड हैं, जो नापने के तरीके हैं, उसकी तुलना में बहुत ही हाई लेवल के मापदंड उपयोग में लाएंगे। संसार आपस में गाली गलौच करने या किसी व्यक्ति को बुरा बोलने को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, तुम चूंकि मेरे अनुयायी हो, तुमने चूंकि मुझ पर विश्वास किया है और चूंकि तुम मेरी संतान बन चुके हो, इस कारण मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूं कि संसार के रीति रिवाज, संसार के जो स्टैंडर्ड है, जो मापदंड है, उसको छोड़कर तुम मेरे कहे अनुसार, मेरे वचन के कहे अनुसार मापदंड अपने जीवन में अपनाओगे। और इसके लिए प्रभु यीशु ने एक उदाहरण भी दिया था, आपको याद होगा, प्रभु ने मदद की तो हम बाद में उसको डिटेल में देखेंगे। एक आदमी जिसको डाकुओं ने मार के सड़क पर अधमरा छोड़ दिया था, उसको आकर एक दूसरा आदमी लेकर दवा दारू करके उसको ले जाकर एक सराय में टिका देता है। प्रभु बार बार ये याद दिलाते हैं अपने वचन में कि जो कोई ये कहता है कि मैं प्रभु यीशु का अनुयायी हूँ, उसे संसार के मापदंड के की तुलना में बहुत अधिक ऊपर उठना होगा। कभी हमने इस बात को सोचा है क्या? कभी सोचा है क्या? आज इस सभा में जितने लोग प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, इनमें कई ऐसे हैं जो शायद कुछ महीनों पहले प्रभु के बच्चे बने हैं या प्रभु की सेवा में आए हैं या प्रभु के शिष्य बने हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो 10, 20, 30 या 40 साल से प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, उनका अनुकरण कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी मुड़कर अपने जीवन को देखने की कोशिश की है? क्या आपने इस बात को समझा है क्या कि मेरे और आपके लिए प्रभु ने जो मापदंड तैयार किए हैं, जो स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं, वे इस संसार के मापदंड के समान नहीं हैं। संसार घमंड को अच्छी चीज मानता है, प्रभु का वचन उसको एक बहुत ही घोर पाप समझता है। उसी तरह से संसार अपने भाई को बुरा भला कहना, गाली गलौच करना, इसको एक छोटी सी बात समझता है, लेकिन प्रभु इस बात को याद दिलाते हैं कि प्रभु के अनुयायी संसार के मापदंड के अनुसार नहीं चलते, वे प्रभु के मापदंड के अनुसार चलते हैं। और प्रभु का मापदंड यह कहता है कि अपने भाई से क्रोधित हो जाए तो वो सजा के योग्य होगा, और यदि कोई अपने भाई को गाली गलौच करे, वो भी कैसा, जरा सा छोटा सा शब्द है, मतलब छोटी सी गाली है, अपने भाई को मूर्ख कहे, निकम्मा कहे, असली जो गालियां हैं अपनी भाषाओं में वो तो इसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा
घोर और गंभीर गालियां हैं। प्रभु कहते हैं कि वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यदि भाई को मूर्ख कह दिया जाए तो मेरे बच्चों मेरा स्टैंडर्ड, मेरा स्तर या मापदंड इतना ऊंचा है कि यदि तुमने कह दिया तो तुम नरक के दंड के योग्य हो। आज शाम को प्रभु की वाणी के संदर्भ में हम में से हर व्यक्ति को अपने बोलने चालने का जो तरीका है, बोलने का जो ढंग है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो वाणी है, उसको अच्छी तरह से सोचना जांचना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से मेरा विरोध है उन लोगों के बारे में मैं इस तरह की बातें बोलता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, हम सब तीन शब्दों को अच्छी तरह से जानते हैं, मनसा वाच्या कर्मणा। ये लगभग सभी भाषा में ये तीनों शब्द इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए आते हैं, उसके पीछे कारण है। हर चीज पहले हमारे मन में आती है मनसा, उसके बाद वो बात हमारी बोली में आती है वाच्या, और उसके बाद वो हमारे कर्म के थ्रू प्रकट होता है, इसलिए कर्मणा। तो मनसा वाच्या कर्मणा, प्रभु का वचन याद दिलाता है कि यदि मैं अपने भाई के विरुद्ध बोलूं तो उसके पहले वो मेरे मन में वो बात आती है। बाइबल का जो पूर्वार्ध है पुराना नियम, उसमें नीति वचन नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में इस बात का विस्तार दिया हुआ है कि जो मनुष्य के मन में आता है वो उसके कर्मों के द्वारा प्रकट होता है, पहले उसकी वाणी में और उसके बाद उसके कर्मों में प्रकट होता है। तो प्रभु यहाँ पर हमारी बोली के बारे में बता रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चों, पुराने नियम से तुम इस बात को जानते हो कि तुम्हारा सोचना सही होना चाहिए, आज मैं ये तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारी बोली सही होनी चाहिए। उस संदर्भ में मुझे और आपको जरा अपने जीवन को पलट कर देखें, पलट कर देखना जरूरी है कि मेरे मन में मेरे भाई या मेरी बहन के विरुद्ध किस तरह के आशय आते हैं, और यदि आते हैं तो मैं उनको नियंत्रित करता हूँ या बैठकर उसको और अधिक पोषित करता हूँ, उसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। याद रखें मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु यीशु के आगमन के बाद उस पुराने संसार में नहीं जी रहे हैं, वो पुराना आत्मिक जीवन नहीं रह गया है, इस नए संसार में, इस नए आत्मिक जीवन में नए मानदंड हैं। ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उसका उदाहरण बताता हूँ। देखिए वो बच्ची चलकर आ रही है और बड़े आराम से जो है वो हिल डुल के चलकर आ रही है, 4-5 साल की होगी, पता नहीं क्या उम्र है। आर्मी में यदि कोई व्यक्ति 3 साल की ट्रेनिंग ले और यदि बाकायदा आर्मी की मार्च पास्ट हो रही हो, उसमें वो इस बच्ची के समान यूं हिलते डुलते चले, क्या होगा? उसका अफसर डंडे से या इवन बंदूक जो है उसका जो लकड़ी का पोर्शन है उससे उसको मारेगा कि तुझे 3 साल से ट्रेनिंग दी और अभी भी तू शराबियों के समान लहराते हुए चल रहा है, क्या तुझे आर्मी में काम करना है या नहीं करना है? करना है, इसलिए मैं तुझे आर्मी वाला बनाकर ही रहूँगा। उसी तरह से प्रभु मुझे और आपको ये बात याद दिलाते हैं, तुम अब बच्चे नहीं रहे, तुम अब अनट्रेन्ड नहीं रहे, तुमको बाकायदा ट्रेनिंग मिल चुकी है, इसलिए अपने सोचने को बदलो, अपनी वाणी बदलो। जब तुम अपनी सोच और अपनी वाणी बदलोगे तभी तुम्हारे कर्मों में फर्क आएगा। इसके बाद प्रभु एक उदाहरण देते हैं, मैंने आपको एक दो उदाहरण दिए, प्रभु के वचन से उदाहरण सुन लीजिए, प्रभु किस तरह से इसका उदाहरण देते हैं। वहां लिखा हुआ है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है,
तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। ये प्रभु यीशु के समय में तरीका था कि लोग साल में कई बार उनको खेती से जो इनकम हुई है, जानवरों को पालने से उनको जो इनकम हुई है, उसके अलावा जीवन के अलग अलग तरीके जैसे व्यापार से उनको जो आय हुई है, उस आय का एक हिस्सा वे लोग प्रभु को भेंट के रूप में चढ़ाते थे। आजकल बाकायदा चढ़ाने के लिए उनके पास मंदिर था। आजकल प्रभु ने हमको जो कुछ दिया है उसमें से एक हिस्सा जब प्रभु के मंदिर में आते हैं, वहाँ जब दान की पेटी या दान का थैला सर्कुलेट किया जाता है, तब उसमें डालना। प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि हमको जो प्रभु ने जो इनकम दी है, जो आय दिया है, उसमें से एक पोर्शन हमको प्रभु हम प्रभु को देंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि इस तरह से यदि भेंट देने के लिए तुम आए हो, उस समय अचानक याद आता है कि मेरे एक भाई के मन में मेरे विरुद्ध कुछ है। ये नहीं लिखा हुआ है कि मेरे मन में यदि भाई के विरुद्ध कुछ है, मेरे मन में यदि भाई के विरुद्ध कुछ है तो मुझे तो किसी भी हालत में प्रभु की उपस्थिति में नहीं आना है, बल्कि मुझे अपनी समस्या पहले हल कर लेनी चाहिए। नए नियम के लगभग आखिर में पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 9वें पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य हैं। तो इसलिए यदि मेरे मन में भाई के विरुद्ध कुछ है, तो प्रभु का वचन ये बार बार याद दिलाता है कि मैं तो प्रभु की उपस्थिति में भेंट लेकर जाने की योग्य ही नहीं हूं, क्योंकि मैं तो नरक की आग के दंड के योग्य हूं, और इसलिए मुझे पहले अपने मन में जो गलत बात है उसका हल कर लेना चाहिए। यहां ये लिखा हुआ है कि जब तुम भेंट करने के लिए आओ, तो प्रभु का वचन ये मान के चलता है कि जब हम प्रभु को भेंट करने के लिए जा रहे हैं तो हमारा मन शुद्ध और पाक है, शुद्ध और पवित्र है। शुद्ध और पवित्र मन के साथ जब भेंट लेकर प्रभु के पास जाते हो, अचानक ये बात याद आती है कि मेरे भाई के मन में मेरे विरुद्ध कुछ है। अब मेरे भाई के मन में मेरे विरुद्ध जो है, उसका सही भी कारण हो सकता है, गलत भी कारण हो सकता है। सही कारण ये हो सकता है कि मैंने भाई के विरुद्ध कोई अपराध किया था जो मुझे याद नहीं रहा, या जिसका मैंने हल नहीं किया है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मैंने अनजाने में अपने भाई के विरुद्ध कुछ किया है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरे भाई को गलत फहमी हो गई कि मैंने उसके विरुद्ध कुछ किया है। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ एक कुन्ने में खड़े होकर बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आपके भाई दूर से आते हुए नजर आए, आपने इज्जत के कारण, बड़े भाई को जो इज्जत देते हैं उसके कारण आपने एकदम से अपनी हंसी बंद कर ली। बड़े भाई को लगा कि अभी तक तो हंस रहे थे, मुझे देखते ही हंसी बंद हो गई, जरूर ये लोग मेरे विरुद्ध बोल रहे थे। एक्चुअली आप बोल नहीं रहे थे, लेकिन बड़े भाई को गलत फहमी हो गई। इस तरह से मेरे भाई के मन में मेरे विरुद्ध तीन कारणों से विरोध हो सकता है। एक, मैंने उनसे कुछ तो अपराध किया है जिसका मैंने अभी तक हल नहीं किया है। दूसरा, मैंने अपराध किया लेकिन मैं उसको भूल गया हूँ। तीसरी बात यह हो सकती है कि मैंने उनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया लेकिन उनको गलत फहमी हो गई। प्रभु का वचन इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखता है। प्रभु के वचन में ये नहीं लिखा है कि यदि तूने वाकई में कुछ किया है, नो, हम प्रभु यीशु के अनुयायियों को प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि हम दुनिया के जो मानदंड हैं, दुनिया के जो स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार जीवन में ही नहीं बिताएंगे। प्रभु के वचन में जो बहुत ही उन्नत मानदंड या स्टैंडर्ड दिया है, हम उसके अनुसार जीवन बिताएंगे। और जब उसके अनुसार जीवन बिताएंगे, तो यदि हम प्रभु को कोई भेंट देना चाहते हैं, और देना जरूरी है जिससे कि प्रभु से हमारा प्रेम प्रकट हो, भेंट देने के लिए जाएं, तब अचानक ये बात याद आती है कि
मेरे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ दुख है, तो चाहे वो मेरे अपराध के कारण हो, चाहे मेरे भूले हुए अपराध के कारण हो, चाहे गलतफहमी के कारण हो, मैं प्रभु को वो भेंट ना चढ़ाऊं, क्योंकि प्रभु उसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उस हायर स्टैंडर्ड, उस उच्च मानदंड के अनुसार जीवन बिताऊंगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जाओ अपने भाई के पास जाकर उसके साथ मेल मिलाप करो, उससे बोलो कि भैया मुझे लगता है कि आपके मन में मेरे प्रति कोई दुख है, मेरे प्रति कोई गलतफहमी है, या ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में मैंने आपके विरोध में कोई अपराध किया है, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बताइए कि मुझसे क्या गलती हुई है और मैं उसके लिए क्या हल निकालूं। प्रभु की वाणी यह है, यदि तुम सचमुच में मेरे बच्चे हो तो मेरे कहे हुए मानदंडों के अनुसार या मापदंडों के अनुसार अपना जीवन बिताओ। और उसमें पहली बात जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो यह है कि भाई के विरुद्ध क्रोध मत करना, अनाप शनाप मत बोलना, और प्रभु को जब कोई भेंट चढ़ाने के लिए आओगे तब यदि तुमको तुम्हारी जानकारी में ये बात आती है कि तुमने तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे भाई के मन में किसी तरह का दर्द है, दुख है, तो जाओ पहले उसको हल करो। प्रभु का वचन आगे ये बात कहता है कि जो जिस भाई को आंखों से देख सकता है उस भाई के साथ प्रेम नहीं कर सकता, तो अदृश्य परमेश्वर से क्या प्रेम करेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है। हिंदी में कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने। जब कोई जम के ढोल बजा रहा हो और यदि बहुत दूर हो तो उसकी आवाज बड़ी अच्छी सुनाई देती है, और यदि वो आपके कान के नीचे बजा रहा हो तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसी तरह से प्रभु जिनको हम देख नहीं सकते उनके बारे में ये कहना बड़ा आसान है कि हे प्रभु, मैं तो तन मन धन से आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु का वचन कहता है ठहरो ठहरो ठहरो, अदृश्य प्रभु से अपना प्रेम प्रकट करने के पहले अपने भाई अपनी बहन जिसको तुम अपनी आंखों से देख सकते हो जाकर उसके साथ अपना व्यवहार सही करो, अपना प्रेम उसको प्रदर्शित करो। और जब तुम अपना प्रेम उस भाई या बहन से प्रदर्शित करोगे तब मैं ये जान लूँगा या पहचान लूँगा कि तुम वाकई में जीवन में अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रदर्शित कर सकते हो। इसके पीछे एक कारण और भी है। मेरा भाई या मेरी बहन, उसकी गलतियां मुझे बहुत जल्दी दिख जाती हैं। देखिए, समाज में सब बराबर नहीं होते। कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं। उसी तरह से समाज में यदि मेरे भाई बहन पांच लोग हों या पचास हों, उनमें से सबका व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। कुछ के सामने आप कुछ भी बोल दें उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ की स्थिति यह है कि आप जब तक उनके सामने अटेंशन में खड़े नहीं होते तब तक उनको नहीं लगता कि आपने उनकी इज्जत की है। बहुत लोगों के व्यवहार में बहुत फर्क है। इतना ही नहीं, उनमें से हर व्यक्ति के जीवन में, संसार में जो भी है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई कमी या घटी होती है, तो उनके जीवन की कमी और घटियों को आप जानते हैं। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि प्रभु यीशु के अनुयायी जो अपने भाई बहन या भाई बहनों की कमी घटियों को जानते हैं, इन चीजों को जानने के बावजूद जो अपना जीवन प्रभु के वचन के मापदंड के अनुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार जो बिताने की कोशिश करता है, उसने जीवन के एक बहुत कठिन स्टेप को पार कर लिया है, एक सीढ़ी को पार कर लिया है, और इस कारण अब वो अदृश्य परमेश्वर से, जिस प्रभु को हम आंखों से नहीं देख सकते, उस प्रभु के प्रति सही रीति से वो प्रेम कर सकेगा। मैं आज शाम को आप सब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज का पूरा संदेश जस्ट एक पॉइंट में कहा जा सकता है, और वो पॉइंट ये है, प्रभु यीशु के आगमन के बाद प्रभु ने अपने अनुयायियों के द्वारा हमको जो 27 पुस्तकें दी है, इन पुस्तकों के द्वारा
मसीही जीवन के ऊपर इतना अधिक प्रकाश पड़ गया है कि प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि हम एक नए मापदंड के अनुसार जीवन बिताएंगे। और मेरा प्रश्न आज शाम को आपसे यह है, इस बात को आपने समझा है क्या? इस बात के अनुसार आपने अपने जीवन को क्रमीकृत करने की कोशिश की है क्या? अपने जीवन को अरेंज करने की कोशिश की है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, कोई चचेरा ममेरा, कोई भाई बहन, चाचा मामा ताऊ मामी, इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसके विरुद्ध आपके मन में बहुत ही कठोर क्रोध की भावनाएं हैं, जिनके विरुद्ध आप सोचते हैं? याद रखिए, जब किसी के विरुद्ध में हम सोचेंगे तो धीरे धीरे वो हमारी वाणी में प्रकट होगा, और वाणी में प्रकट होने के बाद वो हमारे व्यवहार में प्रकट होगा। इसलिए आज शाम को यहाँ जितने भाई बहन प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, उनसे मेरी याचना है, जरा सोच कर देखिए कि गैरों से मेरा मतलब आपके अलावा अन्य लोगों से जो आपके परिवार के ही हैं और जो प्रभु यीशु के बच्चे हैं, इन लोगों के साथ आपका आपसी संबंध कैसा है? उनके बारे में आपकी सोच कैसी है? आपकी वाणी कैसी है? आपका व्यवहार कैसा है? यदि आपसे गलती हुई है तो आज यह ठान लीजिए, आज तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज प्रभु ने अपनी वाणी से मुझे ये प्रकाश दिया है कि इस प्रकार का व्यवहार गलत है, और इस कारण आज से मैं अपने आप को बदलने जा रहा हूँ। और मैं चूंकि अपने स्वयं की मानुषिक शक्ति से नहीं बदल सकता, इसलिए हे प्रभु, आपसे मेरी याचना है, मेरा अनुरोध है कि मुझे धोकर इन पापों से शुद्ध कीजिए और अपनी आत्मा के द्वारा मेरे मन को नियंत्रित कीजिए, मेरी बोली को नियंत्रित कीजिए और मेरे व्यवहार को नियंत्रित कीजिए। यदि प्रभु यीशु के जो बच्चे हैं और अनुयायी हैं सभी लोग इस तरह का व्यवहार करने लगे तो ये जगत एक बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगा। एक दूसरा पॉइंट जो मैं हर संदेश में याद दिलाता हूँ, जो आज याद दिलाना चाहता हूँ, वो ये है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यदि आपने कभी भी प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो ये जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं ये सब आपके लिए व्यर्थ है। इसलिए कि ये जितने उन्नत तरीके का जीवन है जिसके बारे में प्रभु के वचन से हमने आज सुना है, ये जीवन वही जी सकता है जिसने प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में पाया है या ग्रहण किया है। और इस कारण यदि आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो ये सब आपके लिए व्यर्थ है। देखने में अच्छा लगेगा लेकिन एक मृग मरीचिका के समान है, जहाँ आपको लगता है कि कुछ है लेकिन आपके जीवन में कुछ नहीं है। इस कारण आज इस सभा में जितने भाई बहन उपस्थित हैं उनमें से यदि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो उनसे मेरी विनती है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, इस बात को हल्के से ना लें, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। आप पूछेंगे कि शास्त्री सर, ये मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने का क्या मतलब है? ये मतलब बताने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं, और इसलिए जैसा मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ कई भाई और बहन लोग हैं जो इन बातों को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा सकते हैं, समझाएंगे और समझाने के लिए तैयार हैं। और इसलिए इस सभा के अंत में, लेकिन इस हॉल को छोड़कर जाने से पहले, हम में से किसी से ये बात पूछ लें कि इसका मतलब क्या है, इस बात को यकीन कर लें कि आप वाकई में प्रभु के बच्चे हैं। मुझे इस बात का यकीन है, मैं जब 5 साल का था तब मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, और उस कारण आज मुझे मेरे मन में ये कॉन्फिडेंस है, ये यकीन है कि यदि आज इस क्षण यदि मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊँगा तो मैं प्रभु यीशु की उपस्थिति में होऊंगा। इन बातों को याद रखने के, समझने के लिए, याद रखने के लिए और इस मुक्ति को पाने के लिए प्रभु आप में से हरेक की मदद करे। जय मसीह की। प्रार्थना के लिए अनुरोध आया था,
उड़ीसा के भाई रमेश देगल के बारे में खबर आई है कि उनको गले का कैंसर हो गया है। ये एक बहुत ही दुख की बात है। हम सब चूंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए किसी एक अंग को, परिवार के किसी भी एक सदस्य को दुख होता है तो उसमें हम सबको दुखी होना चाहिए और छाती पीट पीट कर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। आइए मैं भाई रमेश के लिए प्रार्थना करूंगा। आप सब लोग आंख बंद करके मेरे साथ इस प्रार्थना में साथ दीजिए और प्रभु से याचना कीजिए कि हमारे भाई को चंगाई प्रदान करें। हमारे आसमानी पिता परमेश्वर, आज इस तरह की सभा में आने के लिए आपने हमारी मदद की, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम सब एक विशाल परिवार के अंग हैं और चूंकि हमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, इस कारण हम सब प्रभु के बच्चे हैं। बच्चे होने के कारण आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं और इस कारण हमारा कोई भी भाई या हमारी कोई बहन दुखी है तो हम सब उसके साथ दुखी हैं। हमने भाई रमेश के बारे में खबर सुनी कि उनको गले का कैंसर हो गया। प्रभु, ये बहुत ही दुख की बात है। आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है और इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, याचना करते हैं कि भाई रमेश को स्पर्श करें और उनको चंगाई प्रदान करें। इतना ही नहीं प्रभु, आज इस सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों में से यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी या आर्थिक परेशानी या मानसिक परेशानी या नौकरी की परेशानी से होकर गुजर रहा है या गुजर रही है तो उसको भी स्पर्श कीजिए और उनके एक हल प्रदान कीजिए। इसके साथ साथ प्रभु, इन भाई और बहनों के परिवार यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हैं, इनके बच्चे, इनके भाई बहन, इनके परिवार के अन्य सदस्य, माँ बाप, पत्नियाँ, सब इनसे बहुत दूर हैं। उन सबको आपके हाथ में देते हैं, उनमें से पता नहीं किस किस की क्या जरूरत है, ये भी नहीं मालूम प्रभु कि उनके स्वास्थ्य की क्या हालत है, भोजन की क्या हालत है। उन सबको स्पर्श कीजिए प्रभु, उनको जो चाहिए, भोजन, वस्त्र, सुरक्षा, मकान, स्वास्थ्य, चंगाई, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ प्रदान कीजिए प्रभु। ये सारी बातें हम आपके हाथ में देते हैं। हमको आपके ऊपर पूरा यकीन है कि सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान प्रभु निश्चित रूप से इन लोगों के जीवन को स्पर्श करेंगे और इस कारण हम अपनी प्रार्थना और याचना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके हाथों में अर्पित करते हैं। आमीन।